अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू आवर टुडेज़ ऑनलाइन इंग्लिश क्लास. वी आर गोइंग टू रीड यूनिट नंबर 5, द एम्बेसडर्स डिस्कोर्स, रीडिंग एंड ट्रांसलेशन, पेज नंबर 55. ओके, स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम दिस पेज. देन द एम्बेसडर शूट एन एरो एट द रिंग. तब जो सफ़ीर था उसने शूट किया एरो, तीर, एट द रिंग, जो कि रिंग थी या जो सर्कल बनाया गया था. द एरो हिस्ट लाइक अ स्नेक एज इट फ्लू. मतलब ये कि जो तीर था, हिस्ट का मतलब होता है सी सी की आवाज़, लाइक अ स्नेक, जैसा कि एक सांप की आवाज़ होती है, उस तरह से एरो जो था वो उसने आवाज़ निकाली एज इट फ्लू जब वो उड़ा. इट पास थ्रू द रिंग, वो रिंग से पास हुआ, गुजरा, एंड कट इट सेल्फ इन टू टू अगेंस्ट द एज ऑफ द नाइफ. और उसने क्या किया, उसको काट दिया किस में, दो हिस्सों में, अगेंस्ट द एज ऑफ द नाइफ, जो किनारा था चाकू का उससे उसने उसको दो हिस्सों में कट कर दिया. द प्रिंस वॉज नाउ श्योर डैट द एम्बेसडर वॉज अ मैन. अब जो शहजादा था उसको यकीन हो गया कि जो सफ़ीर है वो एक आदमी है. बट ज़बावा स्टिल डिडंट एग्री विथ हिम, लेकिन ज़बावा अभी भी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी. आई शैल नाट मैरी अ वोमैन, मैं एक औरत से शादी नहीं कर सकती. शी क्राइड, वो चिल्लाई. द एम्बेसडर मे शूट एरोज जस्ट लाइक अ मैन, बेशक जो सफ़ीर है वो शूट कर रहा है तीरों को या वो निशाना लगा रहा है बिल्कुल एक आदमी की तरह. बट ही टॉक्स, लेकिन जैसे वो बोलता है, वॉक्स, चलता है, सिट्स और बैठता है, जस्ट लाइक अ वोमैन, वो बिल्कुल एक औरत की तरह है. द प्रिंस बिकेम एंग्री, जो शहजादा था उसको गुस्सा आ गया. यू आर बींग सिली, तुम बहुत बेवकूफ़ हो. ही सैड, उसने कहा. आई ऑर्डर यू टू मैरी द एम्बेसडर, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम सफ़ीर से शादी करो. गो, जाओ. प्रिपेयर फॉर यूर वेडिंग, और अपनी शादी की तैयारी करो. ज़बावा रेन ऑफ इन टीयर्स, ज़बावा वहाँ से रोती हुई भागी. द प्रिंस टोल्ड द एम्बेसडर डैट हिज ब्राइड वुड सून बी रेडी, और शहजादे ने सफ़ीर से कहा कि तुम्हारी दुल्हन जल्दी तैयार होगी. बट कतरीना डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू दिस गेम, लेकिन कतरीना ने यह फैसला किया कि वो इस गेम का एंड करे या इख्तिताम करे. शी सेड टू द प्रिंस, उसने शहजादे से कहा, बिफोर द वेडिंग, शादी से पहले, लेट अस फाइट ईच अदर, एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं या लड़ते हैं. लेट अस सी हु इज़ स्ट्रॉन्गर, ये देखते हैं कि कौन ज़्यादा ताकतवर है. ट्रम्पलिंग एट दिस सजेशन, कांपते हुए इस तजवीज़ से, द प्रिंस सैड, शहजादे ने कहा, एम्बेसडर, सफ़ीर, देर इज़ नो वन हेयर हु इज़ योर मैच, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो आपका मुकाबला कर सके या आपके मुकाबले का हो. ओ डियर, ओ प्यारे, रिप्लाइड कतरीना, कतरीना ने कहा, इज़ देयर नो वन, क्या यहाँ कोई नहीं है. आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू सम स्पोर्ट, मैं देखना चाहती हूँ कि कुछ खेल हो. परहैप्स देयर इज़ अ ब्रेव वॉरियर इन योर डंजन, कि शायद तुम्हारे डंजन में या फिर ज़मीन दोस्त जो उसने किला बनाया हुआ था उसमें ब्रेव बहादुर वॉरियर जंगजू है, हु कुड फाइट मी, जो कि मेरे साथ लड़ सकता है. यस यस, हाँ हाँ, देयर इज़, वहाँ है, सेड द प्रिंस, शहजादे ने कहा, स्माइलिंग, मुस्कुराया, एंड रिमेम्बरिंग, और उसने याद किया स्टीवियर गोडिनोविच, और उसने स्टीवियर गोडिनोविच को याद किया. ही इमीजिएटली ऑर्डर्ड हिज गार्ड्स टू ब्रिंग स्टीवियर फ्राम द डंजन्स, उसने फौरन हुक्म दिया अपने गार्ड्स को, अपने मुहाफ़िज़ों को, कि वो जाएं और स्टीवियर को वहाँ से लेकर आएं. सून, जल्द, स्टीवियर गोडिनोविच, जो स्टीवियर गोडिनोविच था, अराइव्ड, वो पहुंच गया.
ही वॉज ऑर्डर्ड टू पुट ऑन अ सूट ऑफ आर्मोर, उसको हुक्म दिया गया कि वो जंगजुओं का लिबास पहने एंड मूव ए हॉर्स और एक घोड़े पर सवार हो। व्हेन स्टीवियर वॉज रेडी, जब स्टीवियर तैयार हो गया, ही एंड द एम्बेसडर ग्लॉप्ड इन टू अ नियर बाई फील्ड, तो वो जो स्टीवियर था और एम्बेसडर दोनों जो थे वो ग्लॉप्स का मतलब होता है सर पर दौड़ना, बहुत तेज़ी से घोड़े की तरह दौड़ना, एक करीबी जो फील्ड थी या मैदान था उसमें गए। ऑल द नोबल्स वेंट टू वॉच द ग्रेट फाइट, तमाम उमरा जो थे वो गए इस अजीम लड़ाई को देखने के लिए। द एम्बेसडर एंड स्टीवियर रोड टूवर्ड ईच अदर, के जो सफ़ीर था और स्टीवियर था वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़े, एंड अदर ईच अदर एंड देन लीप्ड फ्रॉम हॉर्स टू हॉर्स, और फिर क्या हुआ कि उन दोनों की घोड़ों पर आगे पीछे लड़ाई जो है वो शुरू हुई। दे थ्रू देयर स्टील क्लब्स इन द एयर, उन्होंने अपने जो स्टील के क्लब्स थे उसको उनको हवा में फेंका, एंड देन रोड स्ट्रेट टूवर्ड द प्रिंस, और तब दोनों जो है वो बिल्कुल सीधे शहजादे की तरफ बढ़े। द टेरिबल एम्बेसडर ऑफ ग्रीक टुक ऑफ हर हेलमेट, और जो बहुत एक टेरिबल किस्म का खौफनाक किस्म का सफ़ीर बना हुआ था ग्रीक का यूनान का, उसने क्या किया कि अपना हेलमेट उसने उतारा एंड थ्रू इट एट द फीट ऑफ द प्रिंस, और उसने उसको क्या किया, फेंक दिया जो शहजादा था उसके कदमों में, उसके पाँव में। कैटरीनाज ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर फेल डाउन ओवर हर शोल्डर्स, और कैटरीना के खूबसूरत लंबे बाल उसके कंधों पर गिरे। द नोबल्स गैस्प्ड इन सरप्राइज, के जो उमरा थे वो हक्का बक्का रह गए, उनको बहुत ज़्यादा हैरानी हुई, हांप गए वो हैरत से। ग्रेट प्रिंस अजीम शहजादे, लाफ्ड कैटरीना, कैटरीना मुस्कराई, आई हैव रेस्क्यूड माय हस्बैंड फ्रॉम योर डंजन्स, कि मैंने रेस्क्यू कर लिया, मैंने बचा लिया अपने खावंद को तुम्हारे जो ज़मीन दोस्त किला था उससे। यू मस्ट एग्री, तुम एग्री करोगे, ये इस बात को मानोगे, ही वाज राइट टू बूस्ट ऑफ माय स्किल्स, के ये बिल्कुल ठीक था जो बूस्ट कर रहा था, जो घमंड कर रहा था मेरी स्किल्स या मेरी महारतों पर। नाउ फेयरवेल, अब पार्टी, एंड लविंग टुगेदर, और एक साथ मुस्कुराए कैटरीना एंड स्टीवियर गुडिनोविच रोड अवे। कैटरीना और स्टीवियर गुडिनोविच जो था उसने वो सवारी पर सवार हुए और दूर चले गए। तो आज के लिए इतना ही था, कल इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करेंगे।